जायका रेसिपीज़ किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार यम्मी व टेस्टी टमाटर प्याज की चटनी बताने वाली हूँ, जिसको देखकर आपकी भूख दोगुना बढ़ जाएगी। ये चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इस मज़ेदार चटनी को बनाने में सिर्फ 6 से 7 मिनट का समय लगता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं टमाटर प्याज की मज़ेदार और टेस्टी चटनी। टमाटर प्याज की स्वादिष्ट व मज़ेदार चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। प्याज 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई, टमाटर 3 मीडियम साइज़ के बारीक काट लें, हरी मिर्च 3 बारीक काट लें, हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार। गैस को ऑन करके पैन को गैस पर रखें और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने दें। तेल गर्म होने पर इसमें प्याज डाल दें। प्याज को चलाते हुए सोटे कर लें। गैस की आंच को मीडियम रखें और प्याज को चलाते हुए सोटे कर लें। प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा सोटे ही करना है। मुझे प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब ये हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ इसमें नमक डाल दें ताकि टमाटर गल जाएं और चलाते हुए मिक्स कर लें। अब इसमें हरी मिर्च डाल दें, एक बार फिर चलाते हुए मिक्स कर लें। अब हमें टमाटर के गलने तक चटनी को चलाते हुए भूनना है। आप चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं या फिर इसी तरह से चलाते हुए पका लें। मुझे चटनी को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और चटनी बनकर तैयार। इसको 1 मिनट और इसी तरह से चलाते हुए भून लें। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब भी आपको सब्जी लगे बेस्वाद तो आप ये चटपटी और मज़ेदार चटनी बनाकर खाएं, जिसको बनाने में सिर्फ 6 से 7 मिनट का समय लगता है। गैस को बंद कर दें और चटनी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट हमारी टमाटर प्याज की चटनी बनकर तैयार है। कभी कभी हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करता है और सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता, उस समय हम ये चटनी बनाकर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इस मज़ेदार चटनी से रोटी भी ज़्यादा खाई जाती है। इस मज़ेदार चटनी को आप सैंडविच बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी फ्रिज में रखकर खाएं, 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होती।